हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके पिछले वाले जो दो वीडियो हमने बनाए थे, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में फीचर्स की बात की थी, क्या क्या 1935 के अधिनियम की विशेषताएं थी, क्या क्या उसके विशेष प्रावधान थे और किस तरीके का परिवर्तन उन्होंने भारत के तात्कालिक जो प्रशासन था, शासन था, उसमें इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में चर्चा हमने पिछले वीडियो व्याख्यानों में की है। उसके बाद वाला जो सेकेंड पार्ट था, उसमें हमने उन कमियों की ओर देखने की कोशिश की जो 1935 के अधिनियम में हमें दिखाई देती है, और साथ ही साथ कुछ आलोचनाएं तात्कालिक जो राजनेता थे जो कि भारत की जनता के जनमानस का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके जो विचार थे उनको भी हमने अपने व्याख्यान में देखने की कोशिश की थी। यानी कि हमने कमियों और आलोचनाओं की बात पिछले वाले यानी कि सेकंड पार्ट में की थी। इन टुडेज थर्ड पार्ट, आज का जो हमारा तीसरा बिंदु है, जिसमें हम बात करेंगे कि इस अधिनियम का क्या महत्व था। जी हाँ, भारत के संवैधानिक विकास में यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में भी इस बात का जिक्र किया था कि ये जो 1935 का अधिनियम है, ये काफी महत्वपूर्ण है। भारत के वर्तमान संविधान के बहुत सारे प्रावधान इससे मिलते जुलते ही हैं, और एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल आधार है, वो कहीं ना कहीं 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। और जब आप इस अधिनियम को विस्तार पूर्वक देखते हैं, समझते हैं, तो आपको इस बात का आभास स्वयं होगा कि निश्चित कि भारत का जो वर्तमान जो संविधान है, कहीं ना कहीं उसकी जो भीतरी आत्मा है वो 1935 के अधिनियम से ही प्राप्त होती है। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम 1935 के अधिनियम के महत्व के बारे में बात करेंगे। इस अधिनियम में क्या क्या इम्पोर्टेंस चीजें थी जिन्होंने आगे चल के भारत के संवैधानिक विकास में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उस चीज को देखने की कोशिश आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का महत्व यानी कि विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 की अनेक आलोचनाएं हमने पिछले वाले वीडियो व्याख्यान में दी हैं, देखी हैं, समझा है उनको, किंतु उससे यह नहीं होता कि 1935 का अधिनियम पूरी तरह से निरर्थक था या कमियों से ही भरा था। कुछ उसकी पॉजिटिव बातें भी थी, कुछ सकारात्मक चीजें भी थी, उन्हीं चीजों को हम उसके महत्व के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम इन्हीं चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। प्रांतीय, पहले बिंदु की बात करते हैं तो प्रांतीय स्वायत्तता की दृष्टि से यह अधिनियम अत्यधिक महत्वपूर्ण था और एक शुरुआत थी एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की। और वास्तविक रूप में जो 1919 में प्रांतीय स्तर पर जो द्वैत शासन था, जिसमें हस्तांतरित और आरक्षित का भेद था, उसको अब समाप्त प्रांतीय संदर्भों में कर दिया गया था और जो सारे विषय थे वो चुने गए मंत्रियों के अधीन कर दिए गए थे। तो ये एक प्रांतीय स्वायत्तता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण अधिनियम था। भारतीयों को प्रशासन तंत्र में प्रवेश करके हस्तक्षेप करने का अवसर भी प्राप्त तो इस अधिनियम के माध्यम से हुआ था, और ये कहा जा सकता है कि इस एक्ट से प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की व्यवस्था का सूत्रपात भी हुआ था। तो ये एक काफी महत्वपूर्ण चीज है। 1919 के अधिनियम की तुलना में यह एक निश्चित ही प्रगतिशील प्रयास था, क्योंकि इसमें काफी हद तक जो स्वायत्तता थी, खासतौर से प्रांतीय स्तर पर, वो चुने गए लोगों को दे दी गई थी। इस अधिनियम के कारण प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। भारत के एकीकरण का मार्ग भी इस अधिनियम के द्वारा प्रशस्त हुआ। हालांकि जो आरक्षित और संरक्षित करने की जो व्यवस्था थी, उसका जो विस्तार इस अधिनियम के माध्यम से किया गया था, कहीं ना कहीं भारत के सामुदायिक सौहार्द में एक तरह से वो उसको खंडित करने का प्रयास किया गया था, उसको चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया था। किंतु इस अधिनियम ने एक चीज जो सकारात्मक थी वो ये थी कि इस अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों को अखिल भारतीय संघ में समावेश करना या उसका प्रावधान करना, उनके शामिल होने के लिए इसमें व्यवस्था करना, एक तरह से देखा जाए तो ये भारत के राजनीतिक एकीकरण के संदर्भ में एक काफी सकारात्मक प्रगतिशील एक निर्णय था।
क्योंकि उस समय तक ये विचार था कि जो भारत की देसी रियासतें हैं वो अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं, और कमोवेश कभी अगर भारत एक राष्ट्र के रूप में उभरता भी है तब भी ये देशी रियासतें अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रख पाएंगी। ये जो भावना थी, कहीं ना कहीं इस भावना या इस सोच को एक झटका इस 1935 के संघात्मक शासन वाले व्यवस्था से लगा। उस समय फिर देशी रियासतों के राजाओं को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि कालांतर में उनके लिए शायद उनके स्वतंत्र देशी रियासतों को बनाए रखना मुश्किल होगा, क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं उनको भारत के साथ में राजनीतिक एकीकरण में शामिल होना होगा। हालांकि 1935 के अधिनियम में उनके लिए ये जबरदस्ती नहीं था, उनके लिए कंपल्सरी नहीं था कि वो संघात्मक व्यवस्था में शामिल हों, उनके लिए पूरी तरह इसको ऐच्छिक रखा गया था, उनकी इच्छा पर निर्भर था, किंतु संभावना इस बात की थी कि यदि ये संघात्मक व्यवस्था कहीं ना कहीं आकार लेती या कुछ देसी रियासतें इसमें शामिल होती तो अन्य जो देसी रियासतें हैं उनकी जनता में भी एक तरह की ये भावना उत्पन्न होती कि वो भारत के साथ में एक संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रवेश करें और उनके साथ एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में उनकी भी पहचान हो। यह भावना उत्पन्न होने की आशंका निश्चित रूप से देसी रियासतों के शासकों के मन में थी, और यह एक सकारात्मक चीज थी जिसने आगे चल के भारत के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्योंकि जो देशी रियासतों की जो राजा थे वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वहां की जनता की जनभावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, वो एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें उनका निरंकुश शासन था और उनकी इच्छा को ही राज्य की इच्छा या जनता की इच्छा मानकर थोप दिया जाता था। यदि अखिल भारतीय संघ में शामिल ना होना ये राजा का निर्णय था, ना कि वहां की जनता का निर्णय था, तो हो सकता था कि आगे चलकर जनता उस राजा के प्रति विद्रोह करती और संघात्मक शासन व्यवस्था में शामिल होने का प्रयास करती। हालांकि एक अलग मुद्दा है कि ये संघात्मक शासन व्यवस्था कभी धरातल पर सफल नहीं हो पाई, क्योंकि अंग्रेजों ने या ब्रिटिश हुकूमत ने इस तरह का प्रावधान रखा था कि ये एक स्वैच्छिक है, वरना निश्चित रूप से ये डेवलपमेंट ये होता यदि इसको कंपलसरी रखा जाता या कुछ देशी रियासतों के शामिल होने पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना लिया जाता तो कहीं ना कहीं ये संभव था। तो इसीलिए भारत के एकीकरण में ये भावना उत्पन्न होना, एकीकरण की जो एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली 1935 के एक्ट ने एक रोल, एक पॉजिटिव रोल अदा किया था। तो ये उसकी एक सकारात्मकता है, एक महत्व उसका महत्व के रूप में यहां पर हमने उसको रेखांकित किया है। अगले बिंदु की बात करें तो इस अधिनियम में प्रदत्त प्रांतीय स्वायत्तता से संलग्न भारतीयों को प्राप्त राजनीतिक प्रशिक्षण, भारत के संविधान निर्माण और स्वतंत्रता के पश्चात भारत के शासन को संचालित करने में सहायक सिद्ध हुआ। इससे पहले वाले जो अधिनियम थे उसमें भारत के जो स्थानीय जो राजनेता थे उनको अनुभव का उतना अवसर नहीं था जितना अवसर इस 1935 के अधिनियम के प्रावधानों ने प्रदान किया था। तो कहीं ना कहीं वो शासन में पूर्ण उत्तरदायी रूप से कार्य कर सकते थे और उसके आधार पर जो कठिनाई उन्हें प्राप्त होती है उससे जो अनुभव उन्हें जो प्राप्त हुआ, कहीं ना कहीं उस अनुभव ने भारत के एक उच्चतर संविधान के निर्माण में कहीं ना कहीं सहयोग दिया। उस अनुभव को कहीं ना कहीं भारत के संविधान के प्रावधानों में रखा गया। जो कमियां 1935 के एक्ट में दिखाई दी उसके संचालन से संबंधित हो या उसके संवैधानिक संरचना से संबंधित हो, जो कठिनाई वास्तविक रूप से शासकों को यानी कि जनप्रतिनिधि जो उस चुनाव में 1937 में जो चुनाव हुआ उसमें शामिल हुए थे, चुनकर गए थे, मंत्री बने थे, उन्हें जो व्यवहारिक कठिनाइयां महसूस हुई उन कठिनाइयों ने निश्चित रूप से भारत के संविधान जो कि स्वतंत्रता के पश्चात बनाया गया उसके अपने आप में एक पूर्ण संविधान बनाने में, एक सक्षम संविधान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला बिंदु अगर बढ़े तो जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो बनाया गया भारत का वर्तमान संविधान है वो 1935 उसका एक प्रमुख आधार है, और ज्यादातर जो हमारे प्रावधान है वर्तमान संविधान के वो 1935 के अधिनियम से ही मिलते जुलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो आज का वीडियो व्याख्यान है वो पूर्ण होता है, और इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हमने 1935 के अधिनियम को तीन भागों में समझा। पहले भाग में हमने विशेषताओं की बात की, दूसरे वीडियो व्याख्यान में हमने
इसकी आलोचनाएं देखी और तीसरे वाले वीडियो व्याख्यान में हमने इसके महत्व के बारे में बात की। तो उम्मीद है कि 1935 का एक्ट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से हर तरीके से काफी महत्वपूर्ण है, उसको हमने विस्तार से देखने, समझने और जानने की कोशिश करी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो व्याख्यान पसंद आया होगा। तो बने रहिए आप इस श्रृंखला में। अगले वीडियो व्याख्यान में हम निश्चित रूप से एक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और तब तक आपका समय शुभ हो। इस चैनल को निश्चित रूप से अगर आपको उपयोगी लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य विद्यार्थियों तक भी इस चैनल के बारे में जानकारी को आप पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।